पूरा ओपन कर दो, हाँ, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ही दुकानें खुली रखो, हाँ, सारी जगह की खोल दो, हाँ, 2 बजे के बाद में जो दिखाई देवे, हाँ, या तो फाइन ठोको या डंडे ठोको। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो गरीब लोग हैं right. वो तो गरीब ही हैं, उनका right. तो चलो ठीक है, उनको स्पॉन्सर बहुत मिल रहे हैं right. अमीर है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा right. लेकिन आज जो पिस रहा है बीच में वो है मिडिल क्लास बहुत ही गंदी तरह से पिस रहा है right. पूरा लॉकडाउन कर देंगे सब, वैसे भूखे मर जाएंगे सब लोग right. कोरोना से तो मरेंगे, प्लस भूख से भी डबल हो जाएगा। ढाई महीना घर पे बैठे खाली, ना घर का भाड़ा भी है, लाइट बिल है, घर का खाना खर्चा भी है, सब कुछ है। सरकार की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं है ना, अपन मिडिल क्लास है राइट, कोई फैसिलिटी नहीं है इसमें राइट राइट, अपन भीख भी नहीं मांग सकते किसी से राइट राइट। अब दूसरी जगह, अब US में देख लो, वहाँ पर लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर पर्सन सबों ने $1400 उनकी गवर्नमेंट ने सबको दिए। सऊदी अरब के अंदर हुआ, दुबई के अंदर हुआ, सबों ने सपोर्ट करा, यहाँ पर तो आप लोगों ने लावारिसों के जैसे छोड़ दिया। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ शांति नगर में। आज पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि वापस से, चूँकि कोरोना संख्या कुछ बढ़ रही है, तो वापस से फुल लॉकडाउन करने की बात ऐसी चल रही है, और इसको लेकर के आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या वापस से फुल लॉकडाउन होना चाहिए। जैसे ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो है कुछ दुकानें जो है खुली हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके, तो ये आज लेफ्ट साइड की दुकानें खुली हुई दिख रही है, ये सारे चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं, और ये शांति नगर का एरिया है, शांति नगर का इलाका है। लेकिन अगर वापस से जो अगर ये बात चल रही है कि लॉकडाउन जो है वापस होना चाहिए, तो ये लॉकडाउन से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ टेलर है वो काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों से ऐसी बात चल रही है कि वापस से जो है फुल लॉकडाउन होना चाहिए, क्या फुल लॉकडाउन इस चीज़ का सॉल्यूशन है कोरोना वायरस का? लॉकडाउन करने से लॉकडाउन को पालन होना चाहिए ना। अभी लॉकडाउन तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन पब्लिक तो उतनी ही घूम रही है, हाँ, कोई रोक बैठोक नहीं है राइट। अभी देखो ये इवन और चालू है, हाँ, सामने वाली लाइन बंद है, हाँ, ये लाइन खुली हुई है राइट, पब्लिक तो उतनी ही निकलनी है राइट, कम होने वाली नहीं है राइट। उससे बेटर है कि पूरा ओपन कर दो, हाँ, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ही दुकानें खुली रखो, हाँ, सारी जगह की खोल दो, हाँ, 2 बजे के बाद में जो दिखाई देवे, हाँ, या तो फाइन ठोको या डंडे ठोको। तो लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं, लॉकडाउन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। मास्क जरूरी करना, कंपलसरी जरूरी है, जो मास्क नहीं पहनता है 5,000 फाइन ठोको, या तो रखो उसको 4 दिन क्वारंटाइन में डाल दो राइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। इनका नाम नरेंद्र है, आपका नाम क्या है? भरत जैन। देखिए अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से ऐसी बात चल रही है कि वापस से फुल लॉकडाउन होना चाहिए, इससे आप सहमत हैं क्या? क्या फुल लॉकडाउन कोरोना का जो कोरोना संक्रमण है इसका सॉल्यूशन है क्या? फुल लॉकडाउन से कोई मतलब भी नहीं, मीनिंग भी नहीं है, नहीं तो पब्लिक बाहर निकलने वाली है, हाँ, अब कितना भी घर के अंदर लॉक रखेंगे कोई मीनिंग नहीं उसका। 12 बजे से 7 बजे तक, ओके ओके। पब्लिक नहीं आती, दोपहर में भी नहीं आती, शाम में आती है पब्लिक। तो यानी आप कह रहे हैं कि 12 से 7 के, लेकिन लेकिन सरकार यानी MBMC महापालिका में कुछ लोगों ने पत्र व्यवहार किया है कि ये जो ओपन हुआ है लॉकडाउन, इसको फुल लॉकडाउन किया क्या जाए, यानी अनलॉक को वापस से लॉकडाउन किया जाए, और आप टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हो। टाइम मत बढ़ाओ, सुबह 9 बजे से 5 के है ना, ये तो लॉकडाउन करने की बात चल रही है वापस से, उस पर क्या कहेंगे? वापस नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नजीर, आइए इधर। लॉकडाउन क्या सॉल्यूशन है? लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग और अपना अपना एहतियात खुद बरते, लॉकडाउन सॉल्यूशन हो, इतना केस नहीं बढ़ता ना, फिर इतना केस बढ़ के भी कोई फायदा हो? चलो, इन्होंने सवाल खड़ा किया कि 3 महीने से तो लॉकडाउन था ही, उसके बावजूद केस हुआ, तो यानी लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन इन्होंने बताया मास्क, और क्या कहेंगे आप? सैनिटाइजर यूज करो, अपना डिस्टेंसिंग बना के रखो, ओके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना एहतियात बरतो। लॉकडाउन से क्या नुकसान हो सकता है गरीबों का? नुकसान तो सबका, गरीबों का तो बहुत नुकसान है। अपन खुद 2.5 महीना घर पे बैठे खाली, अपना घर का भाड़ा भी है, लाइट बिल है, घर का खाना खर्चा भी है, सब कुछ है। सरकार की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं है ना, अपन मिडिल क्लास है राइट, कोई फैसिलिटी नहीं इसमें राइट राइट, और अपन भीख भी नहीं मांग सकते किसी से राइट राइट। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। क्या नाम बताया आपने? नदीम जी ने बताया कि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं जो है गरीबों का नुकसान ही है, और गरीब लोग जो है अभी जैसा ये बता रहे हैं कि 2.5 महीना तो ये खुद घर पे ही बैठे रहे, और मिडिल क्लास लोग हैं, ना तो भीख मांग सकते, ना कुछ लोगों से मांग सकते,
तो घर में बैठ के कब तक खाएंगे ये लोग बेचारे कारोबार वाले हैं। तो लॉकडाउन ज़्यादातर लोग सोल्यूशन नहीं है ऐसा कह रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। वापस से ऐसी कुछ बात चल रही है कि फिर से लॉकडाउन किया जाए, तो लॉकडाउन सोल्यूशन है क्या, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों का बहुत नुकसान है। राइट, पानी का व्यवस्था। चलिए, ये भी एक जो है छोटे मोटे व्यापारी हैं, काम करते हैं, इन्होंने भी ये कहा कि लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस का तो सोल्यूशन नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? साथ में ही है, तो आप भी लॉकडाउन के फेवर में नहीं है वापस से? फेवर में कैसा रहेगा? हाँ हाँ, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? राइट, तो ज़्यादातर लोग दोस्तों यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की जो बात चल रही है, हाँ, वो रोड पे बिजनेस करते हैं लोग, धंधा करते हैं, और अगर लॉकडाउन होगा तो ये लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो आम लोगों की राय है वो ये है कि जो लॉकडाउन है नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, पिछले कुछ दिनों से ऐसी बात चल रही है कि वापस से फुल लॉकडाउन होना चाहिए, तो क्या फुल लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है? कुछ जवाब देंगे इस पर आप मुझे? यहाँ पे इंडिया इज द मोस्ट डिफरेंट, इट बिहेव वेरी डिफरेंटली, जहाँ पे लॉकडाउन में इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़े, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लॉकडाउन में कैसे इतने केसेस। राइट, बट जिस हिसाब से अभी एवरीडे भाईंदर का ही नंबर देखो, मीरा भाईंदर का तो नंबर 100-100 नंबर तो आ ही रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा फिर से रिस्ट्रिक्शन ले आया जाए, तो मे बी एटलीस्ट वी वोंट रीच इट, बिकॉज हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, वी डोंट हैव, वी आर नॉट दैट प्रिपेयर्ड एज ऑफ, उसके ऊपर कुछ कर। लेकिन जैसा कि देखिए, लॉकडाउन पहले था करीबन 2.5-3 महीना, तब भी कोरोना पॉजिटिव थे ही, केसेस थे ही, उस हिसाब से जो अनलॉक किया गया है, तो क्या अनलॉक करने के बाद वापस लॉकडाउन करेंगे तो उनका क्या होगा जो बहुत मतलब डिपेंड है रोज कमाने पे खाने पे, उनका तो कहीं ना कहीं बहुत सारा ये है, तो इसके लिए अगर आपको भी एप्लीकेबल होता है। राइट राइट राइट, बट इससे फाइट करने का अभी तक सोल्यूशन नहीं। और मे बी आज अभी आज व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि WHO ने पूरा गलत ये इसको फैलाया, इटली बोल रही है कि ये बैक्टीरिया है, दो दिन में दो मेडिसिन खाओ तो बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे 14,000, तो एक तो न्यूज इतनी आ रही है किसके ऊपर बिलीव करें? राइट राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है right. कि ये चीज है क्या। राइट right. इससे लोग कंफ्यूज है, पता ही नहीं लोगों को क्या चल रहा है। तो मेरा तो एक्चुअली क्वेश्चन ही ये है कि जब लॉकडाउन किया गया था तभी आई थिंक सो केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे, और अभी जब अनलॉक किया गया है तो आई थिंक सो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेदर लॉकडाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द लोकल एट पीपल्स की जो डे टू हैंड टू माउथ चल रहे हैं, बट आई फील कि नहीं, गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन दिस बेसिस ऑल्सो कि उनको भी कोई तकलीफ न हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो गरीब लोग हैं वो तो गरीब ही हैं, उनका तो चलो ठीक है, उनको स्पॉन्सर बहुत मिल रहे हैं, अमीर है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आज जो पिस रहा है बीच में वो है मिडिल क्लास, बहुत ही गंदी तरह से पिस रहा है। जैसे बींग आई एम अ टीचर, आई डिडंट गेट माई सैलरी, हार्डली आई गॉट अ पार्ट ऑफ अ सैलरी, क्यों? बिकॉज हमको फीस नहीं मिला है, तो दिस अफेक्ट्स द टीचर्स ऑल्सो, ये मतलब काफी ऐसे ऐसे छोटे छोटे फर्म्स है जहाँ पे मिडिल क्लास पीपल को ज्यादा अफेक्ट हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो वेदर इट शुड बी लॉकडाउन और अनलॉकडाउन, तो मिला जुला के लॉकडाउन का कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या नाम है आपका? माई नेम इज दीपा गांधी। ये दीपा गांधी जी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो ये कि लॉकडाउन तो था, लॉकडाउन के टाइम पे भी तो कोरोना था ही, और अब जो है अनलॉक हुआ है, वापस से लॉकडाउन करके कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग पिस रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए इसको तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ दुकानें जो है खुली हुई है, लोगों की ज़िंदगी पटरी पे है, कुछ लोगों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दो यंगस्टर आ रहे हैं, एक दो मिनट रुकेंगे आप। वापस से ऐसा खबर आ रहा है, ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं कि फिर से जो है फुल लॉकडाउन होना चाहिए, तो माय क्वेश्चन इज कि क्या पूरा लॉकडाउन इस चीज़ का सॉल्यूशन है क्या? पूरा लॉकडाउन, हाँ, फुल फिर से लॉकडाउन कोई इसका सॉल्यूशन है क्या? नहीं, नहीं, क्या बोलना चाहिए, लॉकडाउन पूरा तरह से होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन तो पहले भी था, सिस्टम से होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए लॉकडाउन? सिस्टम से होना चाहिए था, अगर लॉकडाउन रहेगा तो अच्छी बात है,
okay. तो केसेस कम हो जाएंगे okay. कि पब्लिक बाहर घूमेगी नहीं right. तो अच्छी बात है राइट right. right. मतलब ये जो अभी जो माहौल है हाँ हाँ कि पब्लिक कम बाहर निकले उसके लिए वही अच्छा है okay. क्या नाम है आपका नितेश नितेश ये नितेश जी हैं ये कहते हैं कि अगर लॉकडाउन हो वापस से तो थोड़ा पब्लिक कम निकलेगी और कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल होगा थैंक यू सो मच नितेश जी थैंक यू सो मच जय हिंद दोस्तों इस वक्त मैं हूँ ये एक बॉबी नाम से शॉप है कपड़े की दुकान है आप उसके ऑनर हैं अच्छा क्या नाम है आपका क्या नाम सादाब जी हैं सादाब जी पिछले कुछ दिनों से ऐसी बात चल रही है कि वापस से लॉकडाउन होना चाहिए आप क्या सोचते हैं क्या लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है एक्चुअल लॉकडाउन सोल्यूशन तो है भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं की लॉकडाउन अगर हुआ तो इनको मतलब वो हिसाब से थोड़ा पब्लिक को कंफर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए था कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल है इसमें कम से कम आप अगर फुल माइनस नहीं कर रहे तो कम से कम 50% तो इसमें आप उसको सॉल्व कर दो अब स्कूल के फीसेज हैं वो सब आप उसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे शुरू में तो आप बोल रहे थे कि आपको ईएमआई भी माफ़ हो जाएगी आपके स्कूल का भी माफ़ हो जाएगा इलेक्ट्रिक बिल भी माफ़ हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद तो सब लोग ठंडे पड़ गए कोई मतलब इस मसले पे बोलने वाला ही नहीं है बल्कि और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से डेली के फ़ोन आ रहे हैं सर आप अपना बिल पेड करो अरे कहाँ से करें 2.5 से 3 महीने तो खुद घर में बैठे हुए खाने के लाले पड़ गए ऐसी तो पोजिशन थी अभी तो शुरू में तो जैसा पब्लिक से भी हुआ सब उन्हें जहाँ जहाँ सपोर्ट हुआ उतना किया लेकिन बाद में अब वो लोग भी खाली हो गए अभी तो ऐसी हालत हो गई थी घर में खाने के वांदे हो गए थे लॉकडाउन करने से या चलो है मैं मानता हूँ इससे रिजल्ट है ऐसी बात नहीं है काफ़ी कंट्रोल है लेकिन कम से कम आप पब्लिक का भी तो सोचो आप तो सिर्फ एक इशारे में आते हो 5 मिनट आते हो सिर्फ भाषण देते हो और चले जाते हो ये चीज़ सोचते ही नहीं हो कि इसका असर कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा अब दूसरी जगह आप US में देख लो वहाँ पर लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर पर्सन सबों ने $1400 उनकी गवर्नमेंट ने सबको दिए सऊदी अरब के अंदर हुआ दुबई के अंदर हुआ सबों ने सपोर्ट करा यहाँ पर तो आप लोगों ने लावारिसों के जैसे छोड़ दिया मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है वोट के टाइम पे तो सब लोग आ जाएंगे सब लोग ऐसा होएगा ऐसा होएगा ऐसा होएगा अभी देखो ऐसे लॉकडाउन में आप यही देखो ना अभी इतनी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं इतना क्राउड जमा हो रहा है इसमें मतलब इन लोग को वो नज़र नहीं आ रहा है कोरोना इसमें नज़र नहीं आ रहा इसमें नहीं फैलेगा उसमें सब माफ़ है इन लोग को लेकिन पब्लिक अगर 4 लोग भी अगर साथ में जमा हो रहे हैं अगर वो घर वाले ही है वही है तो उस पर ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन है पुलिस कुछ देखती नहीं उल्टी सीधी गाली गलौज शुरू कर देती है लाठी चार्ज शुरू कर देती है कोई बेचारा बाइक पे अगर डबल सीट है तो क्या करेगा अभी ऑटो भी नहीं स्टार्ट थी कुछ भी नहीं थे इमरजेंसी किसी को आना है जाना है वो तो अपना व्हीकल्स का यूज़ करेगा ना अब ये बोलते हैं कि पर पर्सन एक ही जाए अरे कैसा जाएगा अभी 2 आदमी जाना है अभी तुम गाड़ी अभी तुमने सहूलत करी वो भी पूरे तरीके से मतलब मेरे हिसाब से तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ मतलब नहीं हुआ लॉकडाउन करने का कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया अभी देखो आपने लॉकडाउन खोला है तो केसेस कितने सारे ओपन हो गए हाँ आप अगर करते हो लॉकडाउन अच्छी बात है लेकिन उसका कम से कम पब्लिक को भी तो सपोर्ट करो यार थोड़ा देखो भी तो गरीब आदमी की क्या हाल है आज क्या मजदूरों की हालत हो गई कि देख के आंसू आ जाए इंसान को जिस चीज के ऊपर बीती है ना वो खुद ही चीज समझता है इन लोग को तो कुछ एहसास नहीं है कोई भी चीज़ का जो एहसास हो वन साइड ओपन वन साइड अभी शुरू से भी अगर तुम इस तरीके से भी लॉकडाउन करते तो ऐसी हालत तो नहीं होती ऊपर जो रेंट वाले हैं वो ऑनर नहीं मान रहे पहले तो बोला कि हम लोग खुद भाड़ा देंगे ये देंगे शुरू में ये लोग बोल रहे थे हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ये चीज़ की ऐसी बात नहीं अब इन्होंने तो बाद में अभी सब वो भाड़े वाले भी खड़े हो गए कि भाई हमें अरे कहाँ से भाड़ा देगा 3 महीने से तो पूरा ही लॉकडाउन करके रखा है 1 रुपए की इनकमिंग आउटगोइंग सभी बंद है तो कहाँ से अरेंज करेगा चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी बातों को बताया कि लॉकडाउन और अनलॉक का कोई मतलब ही नहीं रहा जब लॉकडाउन था तो उस वक्त जो है कोई सहायता तो गरीबों को मिलती नहीं है ज़्यादातर तो गरीब और मिडिल क्लास ही लोग परेशान हैं तो लोगों का कहना है कि अनलॉक को फिर से लॉकडाउन करना कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है थैंक यू सो मच वापस से ऐसी बात चल रही है कि लॉकडाउन वापस से फुल लॉकडाउन हो तो क्या लॉकडाउन आपको लगता है कि इसका समाधान है लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है हाँ जैसे ऑड इवेंट किया है हाँ ऑड इवेंट करेंगे ना तो ठीक है लोगों का जो काम रुका हुआ है वो भी होता जाएगा मतलब घर में खाना भी मिलेगा सबको पूरा लॉकडाउन कर देंगे सब वैसे ही भूखे मर जाएंगे सब लोग कोरोना से तो मरेंगे प्लस भूख से भी डबल हो जाएगा क्या नाम है आपका मेरा नाम दीपक है दीपक जी हैं ये इन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है कहीं ना कहीं जो है ऑड एंड इवन के हिसाब से ही चलना चाहिए नहीं तो कोरोना से तो लोग मरेंगे ही मरेंगे उसके अलावा जो है लोग भूख से मर जाएंगे थैंक यू सो मच तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड स्टेशन के आसपास का इलाका है और आज मैं कुछ लोगों से या चलते चलते मैं
इस बात की जानकारी ले रहा था कि क्या फिर से लॉकडाउन होना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि फिर से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं लॉकडाउन से, परेशान हैं, और एक बार अनलॉक हुआ है तो फिर से लॉकडाउन करने का जो है कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए लोगों को, और जो है मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, शहर में इस बात की चर्चा चल रही है कि वापस से जो है फुल लॉकडाउन किया जाए, और फुल लॉकडाउन से जो है ये समस्या का समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, करीबन 2 से 2.5 महीना तो फुल लॉकडाउन रहा ही रहा, अब उसमें भी ऐसा तो हुआ नहीं कि उस फुल लॉकडाउन से जो है ये कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और अगर फिर से भी समझो 1 महीने के लिए लॉकडाउन किया जाए, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है ना कि 1 महीने के लॉकडाउन के बाद जो है पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दरमियान जो है लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने सोसाइटी के टेरिस पे भी जो है पार्टियां वार्टियां कर रहे थे, ऐसा सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी जब लॉकडाउन था तो भी लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से हो नहीं रहा था। तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद अगर मास्क कंपलसरी किया जाए, जैसा किसी ने कहा था कि जो मास्क नहीं पहने उसके ऊपर आप जो है एक हेवी फाइन मारिए, तो उससे भी लोगों में जो है फ़र्क पड़ेगा। और मास्क कंपलसरी करके जो है लॉकडाउन को खोलने से, लॉकडाउन को जो है फिर से लॉकडाउन करने से तो इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों का मानना यही है। इस वक्त मैं हूँ निहाल कॉर्नर के पास, निहाल कॉर्नर के पास पहुँच गया हूँ मैं। तो देखिए, जैसे ये भी होटल जो है बहुत दिन से बंद ही है, पड़ा हुआ है, और ये रास्ता जो है नरेंद्र पार्क की तरफ जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं जो है ये नरेंद्र पार्क की तरफ जा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं कि एक साइड का यानी ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकानें जो है खुली है, लोग जो है ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान खोल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने जो है लॉकडाउन, वापस से लॉकडाउन के लिए जो है लॉकडाउन को सही नहीं ठहराया। हाँ, लोगों ने ये कहा है कि मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी किया जाए। पुलिस भी जो है इस 60-70 दिन में जो अगर बोला जाए तो हर जगह की पुलिस जो है एकदम थक चुकी है, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा होती है, पुलिस कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो पुलिस पे भी इस चीज़ का जो है बहुत बुरा, उनकी सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने लंबे टाइम से जो है 2-2.5 महीने से पुलिस जो है कंटिन्यू सर्विस दे रही है। इस बारे में हमारी बातचीत जो है मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर हैं चंद्रकांत डांगे जी से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी बातें आई है हमारे सामने कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए, लेकिन इस पर कुछ उन्होंने कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर सोच विचार चल रहा है, और जहाँ तक मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि लॉकडाउन जो है पूरी तरह से लॉकडाउन शायद ही हो, क्योंकि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने भी इस बात से इनकार किया है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन से कहीं ना कहीं और मुसीबत लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि फिर से जो है लॉकडाउन होता है तो आज फिर अभी 3 महीने भी नहीं हुए, लोग रेंट के लिए परेशान हो रहे हैं, लाइट बिल के लिए परेशान हो रहे हैं, स्कूल के फीस के बारे में अलग जो है चर्चाएँ चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ तो चल ही रही है, हो ही रही है। तो लोग एक तरफ से जो है एक तरफ परेशानी से अपने निकल रहे हैं और दूसरी तरफ फिर से परेशान हो रहे हैं। तो ये लोगों के जो है रोज़ के जो खर्चे हैं वो तो बरकरार हैं, और इसको देखते हुए जो है लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है डिस्टेंस और मास्क। जो पैसे वाले हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉकडाउन हो या ना हो,
लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लाइफ पे जो है इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे। तो दोस्तों, मिला जुला के मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कैमरे पे कहा, कुछ लोगों ने बिना कैमरे के कहा। लॉकडाउन के पक्ष में ना के बराबर लोग दिखे, यानी कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ज़्यादातर लोगों का मानना है। तो दोस्तों, बस यही है कि आने वाले दिनों में ही ये डिसाइड हो पाएगा कि लॉकडाउन जो है फिर से पूरी तरह लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। लेकिन सरकार की तरफ से या ऑफिशियल ऐसा कोई भी कंफर्मेशन या ऐसी कोई चर्चा अभी तक नहीं है। थैंक यू सो मच।